नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के 10 एमसीक्यू जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे आपको। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, एक बार फिर, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरीन क्लोरीन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये वीडियो आप जब भी देखें सही उत्तर कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। ओके, देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी पोटेशियम। उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी पोटेशियम। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए एंथ्रेसीन, ऑप्शन बी नेपथलीन, ऑप्शन सी फ्यूरान, ऑप्शन डी बेंजीन। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। ओके, देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्यूरान। ओके, सॉरी, विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है फ्यूरान, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन, यूरिया होता है, ओके, यूरिया होता है ऑप्शन ए सोडियम उर्वरक, ऑप्शन बी फास्फेटी उर्वरक, ऑप्शन सी नाइट्रोजनी उर्वरक, ऑप्शन डी पोटेशियम उर्वरक। यूरिया क्या होता है? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन सी नाइट्रोजनी उर्वरक। यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? ठीक है, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी एथानॉल, ऑप्शन सी मेथेनॉल, ऑप्शन डी मेथेनॉल। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। ओके, देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए इथेनॉल। ठीक है, शर्करा या मंड के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, सीमेंट की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अगासिट, ऑप्शन बी एल्बर्ट्स मैग्नस, ऑप्शन सी जोसेफ आस्पदिन, ऑप्शन डी जैनसीन।
है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोसेफ आस्पदीन। ठीक है, सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पदीन ने की, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपर रूप होता है, दिया सलाई या माचिस, ठीक है, में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपर रूप होता है। ऑप्शन ए कोई भी फास्फोरस, ऑप्शन बी लोहित फास्फोरस, ऑप्शन सी बैंगनी फास्फोरस, ऑप्शन डी ब्लैक या कृष्ण फास्फोरस। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहित फास्फोरस। ठीक है, दिया सलाई या माचिस में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपर रूप होता है लोहित फास्फोरस, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन, इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है, इच्छु गन्ना, ठीक है, शुगर केन, तो इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है, ऑप्शन ए पामिटिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। ठीक है, इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है। ठीक है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन ह्रासक, ऑप्शन बी ऑक्सीजन उत्पादक, ऑप्शन सी कार्बन उत्पादक, ऑप्शन डी सल्फर उत्पादक। ठीक है, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। ठीक है, देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन ह्रासक। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है, ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी कैरोसिन, कैरोसिन या मिट्टी का तेल। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। ओके, देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी केरोसिन या मिट्टी का तेल। सोडियम को आमतौर पर
केरोसिन के नीचे रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। ओके, सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरोसिन या मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन, साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद है, ठीक है, साबुन को, साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद क्या है? ऑप्शन ए कास्टिक सोडा, ऑप्शन बी ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी नेपथलीन, ऑप्शन डी कास्टिक सोडा। दो बार आ गए हैं, ओके कोई बात नहीं, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्लिसराल, ठीक है, साबुन उद्योग को मिलने वाला उप उत्पाद ग्लिसराल है। ओके, तो चलिए पूरे हुए इस वीडियो के 10 क्वेश्चन, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।